बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी जायदाद की विरासत की तकसीम उसके मुकम्मल तरीक़ाकार की पेशरफ में हमारी वीडियो पेश खिदमत है। आज की वीडियो में हम बेटी की जायदाद में वालिदैन के हिस्से पर गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जानब बढ़ूँ, आपसे इस्तेदा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानब, और आज का मौजू है बेटी की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा। अगर बेटी की औलाद है तो वालिदैन के लिए जायदाद का 1/6 हिस्सा है। अगर वालिदैन में से सिर्फ माँ हो तो छठा हिस्सा 1/6 हिस्सा माँ को मिलेगा, और अगर सिर्फ बाप हो तो बाप को भी 1/6 हिस्सा मिलेगा, और अगर दोनों हों तो 1/6 हिस्सा दोनों में बराबर बराबर तकसीम होगा। अगर बेटी के यहाँ औलाद नहीं है लेकिन शोहर है तो शोहर को जायदाद का निसफ हिस्सा यानी 1/2 हिस्सा मिलेगा, और निसफ हिस्सा 1/2 जायदाद बेटी के वालिदैन को मिलेगी। और अगर बेटी की औलाद में फ़कत लड़कियां ही हों, दो या जायद, तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का है, बेटी के शोहर के लिए 1/4 यानी 1/4 हिस्सा, और बाकी वालिदैन का होगा। और अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निस्फ यानी 1/2 हिस्सा लड़की का है, बेटी के शोहर के लिए 1/4 यानी 1/4 हिस्सा, और वालिदैन का 6/6 हिस्सा यानी 1/6 हिस्सा होगा। और अगर बेटी बेवा हो और उसके औलाद भी नहीं है तो जायदाद के वारिस उसके वालिदैन होंगे, जिसमें माँ के लिए जायदाद 1/3 हिस्सा होगा, 1/3 हिस्सा, और अगर बेटी के बहन भाई हैं तो माँ के लिए जायदाद का 6/6 हिस्सा 1/6 हिस्सा होगा, और बाकी बाप को मिलेगा। अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निस्फ 1/2 हिस्सा लड़की का है, बेटे की बेवा के लिए 8/8 हिस्सा 1/8 हिस्सा, और बेटे के वालिदैन का 6/6 हिस्सा 1/6 हिस्सा है। अगर बेटा रंडवा है और उसके कोई औलाद भी नहीं है तो उसकी जायदाद के वारिस उसके वालिदैन होंगे, जिसमें माँ के लिए जायदाद का 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा, और 2/3 2/3 हिस्सा बाप का है। और अगर बेटे के बहन भाई भी हों तो उसकी माँ के लिए 6/6 हिस्सा 1/6 हिस्सा है, और बाकी हिस्सा बाप का होगा। यूँ ये जायदाद तकसीम हो जाएगी। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत